अस्सलाम वालेकुम, हानिस किचन में आप सबको खुश आमदीद है। आज मैं आपको वेजिटेबल सैंडविचेस की रेसिपी बताने जा रही हूँ। रेसिपी बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। वेजिटेबल सैंडविचेस बनाने के लिए जिन इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत है, ये मैंने दो आलू इनको बॉयल कर लिया है और कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। इसमें मैंने आधी गाजर को इस तरह बारीक काट लिया है, आधी ही शिमला मिर्च ली है उसको भी इसी तरह बारीक काट लिया है और थोड़ी सी बंद गोभी को बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, इसको आप झटपट से घर में बना सकते हैं। ये बॉयल आलू में मैं 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है मैंने, नमक हसबे ज़रूरत, अब इसमें मैं ये सारी वेजिटेबल्स भी शामिल कर दूंगी थोड़ी थोड़ी करके। अभी हम इसमें मायोनीज का यूज करेंगे। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मायोनीज की इसमें कितनी आपको मिकदार में जरूरत है। मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच मायोनीज के यूज किए हैं, आप चाहें तो इसको ज्यादा भी इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स में मायोनीज को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है आपको ताकि काली मिर्च और नमक भी ठीक से मिक्स हो जाए। ये भी हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, वेजिटेबल्स, मायोनीज। आलू भी इसमें पूरी तरह मैश हो चुके हैं। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है सैंडविचेस की, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये मैंने बड़ी वाली ब्रेड को इस तरह साइडों से, इसकी साइड्स वगैरह मैंने उतार दिए हैं जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं इस ब्रेड को हल्का सा गर्म कर लूंगी पैन में। ब्रेड के पीसेस को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अच्छे से जो वेजिटेबल्स, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने वेजिटेबल्स का जो मसाला तैयार किया था अच्छे तरीके से मैंने इसको ब्रेड पे लगा दिया है। इस जगह पे मैंने थोड़ा थोड़ा मायोनीज लगा दिया है दूसरी ब्रेड पे, इनको मैं इस तरह से अभी मैंने सैंडविचेस को दरमियान से कट कर लूंगी। इस तरीके से जी, तो ये हमारे मजेदार से वेजिटेबल सैंडविचेस तैयार हैं, इसको आप केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।